जा रहे हो वाईफाई लगवा तो प्लीज़ एक अच्छा वाईफाई लगवा लो, थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लगे। ये मुझे अच्छी बात नहीं लगी इस मेलबोर्न के नाम का है। सो हेलो गाइज, वेरी गुड आफ्टरनून, इट्स फरीद दिस साइड वेलकमिंग यू टू हिज न्यू ब्लॉग। सो गाइज़, आज के ब्लॉग में मैं आपको अपने इस मेलबोर्न के मॉडम के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि मैंने इसको 2-2.5 महीने पहले परचेज़ किया है और जिसकी प्राइस है 1600-1700 आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर मिल जाएगी आसानी से। गाइज, बात करें इस मॉडम की मतलब यूज़ कैसे करते हैं, तो गाइज सबसे पहले आपको इस मॉडम के यहाँ से इस पार्ट को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सिम लगानी पड़ेगी। सिम का मतलब जैसे आप फ़ोन के अंदर सिम लगाते हैं, वोडाफोन की हो गई, एयरटेल की हो गई या फिर जियो की हो गई, तो वैसी नॉर्मल सिम इसमें भी लगती है। और बस आपको इस सिम को लगा करके ऐसे बंद कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिम लगाने के बाद जैसे आप फ़ोन में सिम लगा के रिचार्ज करवाते हैं 1 महीने 2 महीने या 3 महीने का, वैसे ही सेम टू सेम रिचार्ज इसमें भी करवाना पड़ता है। और उस रिचार्ज के बाद आपको जितना GB रिचार्ज पे मिलता है, जैसे 2.5 GB पर डे आपको सिम दे रही है, तो आपको उतना ही नेट मिलेगा पर डे इस मेलबोर्न के साथ भी। तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि ये अनलिमिटेड नहीं है, ये अगर इसमें 2.5 GB का रिचार्ज आपने करवाया है 2 महीने तक का, तो सिम और सिर्फ 2.5 GB ही देगा आपको, अनलिमिटेड नहीं देगा। और इसमें ये भी एक प्रोबेबिलिटी है कि आपको नेटवर्क भी तभी तभी मिलेगा जब इसमें नेटवर्क आएगा। अब जैसे वाईफाई पे क्या होता है कि आपको 24/7 नेटवर्क मिलता है, अनलिमिटेड अनस्टॉपेबल, मतलब अच्छी स्पीड रहती है, बिना रुके वीडियोज़ हाई क्वालिटी में चलती है। इसमें ऐसा नहीं है, अगर आप इसमें नेटवर्क अच्छे से नहीं चला, अगर आप हाई क्वालिटी पे वीडियो चलाते हैं तो बहुत ही लैग करती है वीडियो, बहुत ही बफर खाती है। तो इस वजह से मुझे तो ये एकदम वेस्ट ऑफ मनी लगा है। अगर आप लोग जा रहे हो वाईफाई लगवा तो प्लीज़ एक अच्छा वाईफाई लगवा लो, थोड़ा सा ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके, लेकिन इसमें 1700 मत वेस्ट करना। अब ये काम कैसे करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे USB पोर्ट दिया गया है, बस आपको चार्जर का तार निकाल करके चार्जर के अडेप्टर में इसको लगा करके ऑन कर देना है, फिर यहाँ पे लाइट जल जाएगी ब्लू और ग्रीन कलर की। और जैसे यहाँ पे नाम वाम लिखा है, पासवर्ड लिखा है, आप अपने फ़ोन में उसको डाल करके आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको एक वाईफाई के रूप में मिलेगा, लेकिन वो वाईफाई नहीं रहेगा। अगर आप मान लीजिए ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे एयरटेल की अच्छी कनेक्टिविटी है, दिन भर आप यूज़ करें, 2.5 GB आपका मान लीजिए 2-3 घंटे में ख़त्म हो गया, अब आपका दिन भर कैसे चलेगा, तो उसके लिए आपको फिर से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो ये मुझे अच्छी बात नहीं लगी इस मेलबोर्न के मॉडेम में, और आज के टाइम में मॉडेम कोई लेता भी नहीं है। तो गाइस, यही था आज के ब्लॉग में, मैं इसका रिव्यू किया हूँ। अगर आप लोग अच्छे वाईफाई के तलाश में हैं तो प्लीज़ अच्छा वाईफाई ही लगवाइए, ये मॉडेम लगवाने से कुछ नहीं होता है, ये बस नाम का है। और इसको ज़्यादातर लोग जब सफ़र में होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, बीच में एक जगह गैप हो गया तो ऑफिस का काम है, तो तब इसको इंसान यूज़ कर सकता है, थोड़ा सा ऑफिस का काम कर लिया, उस पर्पज़ के लिए तो ये गुड है, बेस्ट है। लेकिन अगर आप इसको वाईफाई के जगह पे रख के यूज़ करते हैं तो ये यूज़लेस है, मतलब इसको फेंक दो उठा करके। अब मैं तो लेके पछता रहा हूँ भाई, मैं क्या करूँ, अब मैंने ले लिया तो अब ये दिन भर लगा रहता है। सिम उम सब है इसमें, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे सिम उम सब लगा हुआ है, ये वाला इसके अंदर जियो का सिम लगाया मैंने। यहाँ पे शाम के टाइम जियो की नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होती है और यहाँ पे शाम के टाइम कोई फ़ोन चलाता नहीं है, तो यही इसका साइड इफ़ेक्ट है। बस यही था आज के व्लॉग में, मैंने रिव्यू किया और सॉरी मेरा व्लॉग बहुत लेट आया, क्योंकि यार नेटवर्क इशू था थोड़ा, इस वजह से मैंने व्लॉग पोस्ट नहीं किया। तो गाइस, यही था आज के व्लॉग में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होगी इससे रिलेटेड। प्लीज़ मैं फिर कह रहा हूँ, मॉडेम चाहे कोई भी हो, मेलबोर्न का हो चाहे कोई और कंपनी का भी हो, मॉडेम मत लो भाई, वाईफाई लगवा लो कुछ और पैसे इन्वेस्ट करके। इसको ख़रीदेंगे ना तो आप ही लोग को नुकसान होगा, क्योंकि ये कोई फ़ायदा नहीं देने वाला, बस नाम का है कि मॉडेम है, बाकी कोई इसका काम नहीं है। बस आप क्या करो, इसका सिम लगा कर मेरे फ़ोन में चला लो, इससे अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी उस डायरेक्ट फ़ोन में ही मिलेगी आपको। तो प्राइस के हिसाब से बात करें 1600 तो बहुत ज़्यादा है, इसके तो मैं भाई 200 रुपये भी बहुत मुश्किल से दूँ। तो गाइस, यही था आज के ब्लॉग में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ज़्यादा धमाका डालने वाला, क्योंकि हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं पूरी फैमिली, वो ट्रिप कौन सी है वो ब्लॉग में आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले धमाकेदार ब्लॉग में, बाय।